मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो है सापुतारा, गुजरात का एकमात्र हिल स्टेशन। यहाँ पर देश भर के लोग घूमने फिरने आते हैं। टूरिस्टों के मनोरंजन के लिए यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसे कि बोटिंग, रोपवे और गार्डन्स। ये सापुतारा का टेबल पॉइंट है और हर वीकेंड यहाँ पर सैकड़ों पर्यटक आते हैं। यहाँ पर रहने की कोई समस्या नहीं, यहाँ आपको सस्ती से सस्ती होटल और 3-स्टार होटल भी मिल जाएंगी। क्या लगता है, सापुतारा ऐसे ही बस गया? जी नहीं, इसको बसाने के लिए यहाँ के मूल निवासियों ने अपने घर बार अपनी ज़मीनें छोड़ी। सापुतारा में हमारी ज़मीन हमारा पास थी जबरदस्ती ले ली थी 1970 में, त्यांथी हमने नवा गाम खसेड़वा में आयो। सापुतारा बसाने के लिए जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें छोड़ी उनको बसाया गया सापुतारा से 3 किलोमीटर दूर इन पहाड़ियों के बीच, लेकिन आज उन्हें यहाँ से भी हटाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, उनको ये जगह खाली करने के लिए नोटिस दी जा रही है। कलेक्टरे 8 दिवस की खाली मुदत आपेली है, जो घरों उठी जा जो है अने एना माटे पण अमारा जे अमारी जगह है अमे कोई दिवस छोड़ी छे नहीं। अमे सापुतारा में 450 एकर जमीन गुमावेली है अने खाली अमने 6 एकर में नवा गाम अमारो गाम है। 20 वर्ष थी लगभग फरियाद करे छे कि अमारा घर नाम पर करो। ज्यारे तमे जोवा जाओ कि सापुतारा तात्कालिक प्लॉटो नाम पर करी आपवामां आवे छे, ज्यारे नवा गाम ने अमारे आज सुधी कोई पण नाम पर करवा मने आव्यो, ए खरेखर अमारा साथे सारो व्यवहार न कहेवाय सरकारनो। के खरेखर आदिवासीओ छे एना हिसाबे एवुं करे छे कि शुं एमने ख्याल नथी कि आदिवासीओ पैसा रहेता नथी, ज्यारे आ बहारनी पार्टीओ आवे छे एमना पाहे कदाच पैसा लईने करवा मांगता होय। एक बसा बसाया गाव दोबारा उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बार नवागाम के लोगों ने आर पार की ठान ली है। अब ये तो समय ही बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जो अमारा नाम पर जो जमीन ना थाय तो अमे खरेखर लड़त करीशू अने अमारे हकनी जमीन छे एना माटे अमारे जे पण पगला लेवामां आवशे अमे करवा माटे एकदम तैयार छे। जो तो रस्ता रोको आंदोलन, भूख हड़ताल जे पण अमारथी थाय ए बंधु करीशू, एटले करीशू। इंडिया अनहर्ड के लिए मैं रोशन सापुतारा से।